हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी करवा चौथ। मैं ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि सारी सो गया था, लेकिन जो भी किया हुआ गुड मॉर्निंग दिखाने की कोशिश करवा चौथ सभी को। आज है 13 अक्टूबर और आज है वो दिन जिसका हर सुहागन बेसब्री से इंतज़ार करती है। नहाने और उसके बाद मैं पहनूंगी ये बैंगल्स और ये मेहंदी लगाई थी नैन्सी ने मुझे। अब मैं धोऊंगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ और मैं तैयार हो गई हूँ, पर मेरी मेहंदी अभी इतनी नहीं रची क्योंकि मैंने जल्दी वॉश कर ली थी। और ये है हमारे पतिदेव, आराम फरमा रहे हैं। हेलो हेलो, हैप्पी करवा चौथ। सेम टू यू। आज का सारा खाना बनाया है मेरे पतिदेव ने मेरे लिए स्पेशल। ये बनाया मशरूम और उधर बनाया है कोफ्ते और बनाई है खीर। और आपके घर में आज क्या क्या बनाया है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और मैं कैसी लग रही हूँ, एक्चुअली मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं सारा दिन उठ नहीं पाई। सुबह उठी थी, सरगी भी मैंने कुछ खाई नहीं, ज़्यादा क्या मैंने कुछ भी नहीं बनाया इस बार। मैंने खाली वही एक एप्पल और मैंने काढ़ा पिया थोड़ा, सुबह मैंने एप्पल ही खाया आज फिर और सारा दिन, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी। अरे सारे ठंड लग रही है, मुझे खुद भी बहुत ठंड लग रही है। ये मेरी पूजा की तैयारी है, मेरी छन्नी है, ये मेरी पूजा की थाली सुहागी मैंने इसमें रख दी है। और ये मैं तैयार करूँगी अपनी पूजा की। यहाँ पे मैं दिया, धूप, फूल, चावल, रोली सब कुछ यहाँ पे रख दूँगी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। अभी हो रहे हैं 9:30 और अभी तक भी हमारे यहाँ पे चांद नहीं आया है। यहाँ पे बहुत देर से आता है, सारिष्ट खाना खा के सो गया। अब हम दोनों ही बैठे हैं अभी चांद का इंतज़ार करने, तो देखते हैं कितने बजे तक चांद निकलता है। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे हो गए 800 सब्सक्राइबर। मैंने अभी चेक किया तो मैंने देखा मेरे 800 सब्सक्राइबर हो गए। थैंक यू एवरीवन, आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, मैंने शॉल ले लिए। अभी टाइम हो रहे हैं 9:50, अभी भी चांद नहीं निकला और चांद अभी भी नज़र नहीं आ रहा। हल्की सी जो बादलों में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है वहाँ से चांद निकलेगा और शायद अब थोड़ी देर में निकलने ही वाला है। ये हल्की सी जहाँ पे रोशनी दिखाई दे रही है। मेरी पूजा की थाली बिल्कुल तैयार है और चंदा मामा भी आ चुके हैं हमारे। अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, अब चलते हैं पूजा करने। और ये आ गए हैं चंदा मामा और हम देख रहे हैं इनको छन्नी से। और ये मेरा चांद मुझे आया है, नज़र ही नहीं आ रहा है, ये चांद नज़र आ रहा है। पूजा हो गई है और व्रत भी खोल लिया है, पानी पी लिया है। अब हम करेंगे डिनर जो पतिदेव ने आज बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाया है मेरे लिए। तो आशा करती हूँ आप सभी का करवा चौथ बहुत अच्छा रहा होगा। भगवान सबको अखंड सौभाग्य दे, सभी को सुहागन बनाए रखे सभी। मैं ऐसी प्रे करती हूँ भगवान से, सबको खुशियाँ मिले, जोड़ी हमेशा बनी रहे, साथ हमेशा बना रहे। करवा माता सबको अखंड सौभाग्य सुहाग दे। और इसी के साथ ब्लॉग का करियो एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि 800 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं आज। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।